IPL 2020 मैच नंबर 56 में सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करते हुए पहली ओवर की पांचवी गेंद पर क्विंटन डिकॉक सही समय के साथ स्क्वायर लेग दिशा में शानदार चौका लगाए, मुंबई इंडियंस का पहला चौका। तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पर मुंबई इंडियंस का पहला झटका। रोहित शर्मा की वापसी केवल 7 गेंदों तक चली। संदीप शर्मा ने एक बार फिर पावर प्ले में अपना प्रभाव छोड़ा। रोहित शर्मा ने इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया लेकिन कनेक्शन प्राप्त करने में विफल रहे और डेविड वार्नर को आसान कैच देकर आउट हो गए। तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव लेंथ ऑन ऑफ गेंद को अच्छे टाइमिंग के साथ पंच करते हुए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में चौका लगाकर अपना खाता खोला। चौथी ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव फुलर लेंथ गेंद को ऊपर उठाए और शानदार चौके के लिए इसे स्क्वायर लेग के सामने स्टाइलिश तरीके से फ्लिक किए। पांचवी ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक फुल एंड वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र के माध्यम से बाउंड्री लगाए। अगली गेंद पर डिकॉक शॉर्ट एंड अराउंड लेग गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद में भी डिकॉक लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में ऊपर से फिर से एक बार छक्का लगाए। डिकॉक एक विस्तृत यॉर्कर के लिए प्रयास किए लेकिन अंत में गेंद इनसाइड एज होकर स्टंप पे लग गया। संदीप शर्मा का दूसरा विकेट। छठी ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव अराउंड ऑफ गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में चौका लगाए। अगले गेंद में भी सूर्य कुमार यादव अराउंड ऑफ गेंद को कवर की दिशा में स्मैश करते हुए फिर एक और चौका लगाए। दसवीं ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव फ्लोटेड ऑन ऑफ गेंद को अपने घुटने पर बैठकर गहरे स्क्वायर लेग की दिशा पर घुमाते हुए चौका लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर ईशन किशन फ्लोटेड ऑन ऑफ गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाए। लेकिन बारहवीं ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव स्टंप आउट हो गए। मुंबई इंडियंस ने अपना तीसरा विकेट खोया और हैदराबाद इन विकेटों की भरपाई करने में सफल रहे। रिद्धिमान साहा द्वारा स्टंप आउट और शहबाज नदीम के लिए पहला विकेट। उसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चित, कृणाल पांड्या भी आउट। मुंबई अब बैकफुट पर, हैदराबाद को नियमित अंतराल पर विकेट लेने की जरूरत है और वे बस यही कर रहे हैं। कृणाल पांड्या केन विलियमसन को कैच देकर आउट हुए, नदीम का दूसरा विकेट। और 13वां ओवर की पहली गेंद पर सौरभ तिवारी आउट हो गए। यह मुंबई के लिए एक जुलूस, एक ही झटके में 3 विकेट गिर गए। रशीद पार्टी में शामिल हो गए और उनकी गुगली ने काम किया। गेंद दूर स्पिन के बाहर किनारे पे और साहा सुंदर कैच लेकर आउट किए। 15 ओवर की चौथी गेंद पर ईशन किशन टॉस अप ऑन ऑफ गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका लगाए। 16 ओवर की पांचवी गेंद पर पोलार्ड लो फुल टॉस अराउंड ऑफ गेंद को मिड ऑफ के रीजन में ऊपर से चौका लगाए। ओवर के आखिरी गेंद में भी पोलार्ड सेम डिलीवरी करते हुए लो फुल टॉस ऑन ऑफ गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और चौका लगाए। 17 ओवर की दूसरी गेंद पर ईशन किशन वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाए लेकिन अगले ही गेंद पर ईशन किशन आउट हो गए। संदीप ने कम टैंपरिंग करते हुए बाहर टॉस पूरा किया। किशन ने अपनी ड्राइव को ड्रिल करने के लिए ट्रैक के नीचे की तरफ देखे लेकिन गेंद अंदर के किनारे ले और स्टंप को पीछे छोड़ गई। यह एक बड़ी सफलता। इस मैच में अब संदीप शर्मा का तीसरा विकेट। 18 ओवर की दूसरी गेंद पर नाथन कोल्टर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में प्रियम गर्ग को कैच देकर आउट हो गए। जेसन होल्डर के लिए पहला विकेट। इसी के साथ उनका T20 में 100 विकेट पूरा हुआ। 19 ओवर की तीसरी गेंद पर पोलार्ड फुल टॉस अराउंड ऑफ गेंद को स्मैश करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का लगाए। अगले गेंद में पोलार्ड मिड विकेट के ऊपर से भारी छक्का लगाए और अगले गेंद में फिर एक बार पोलार्ड आउटसाइड ऑफ गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त छक्का लगाए, एक पंक्ति में 3। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद में भी पोलार्ड फुल टॉस ऑन गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में एक और छक्का लगाए लेकिन अगले गेंद पर पोलार्ड स्टंप आउट हो गए। जेसन होल्डर के लिए दूसरा विकेट। इसी के साथ मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों में पोलार्ड शानदार खेल दिखाते हुए 25 गेंदों में 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 41 रन बनाए।
वही सूर्य कुमार यादव 29 गेंदों में 36 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। ईशान किशन भी 30 गेंदों में 1 चौका और 2 छक्के की मदद से 33 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाए और डिकॉक 13 गेंदों में 25 रन बनाकर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। दूसरी ओर हैदराबाद की गेंदबाजों में संदीप शर्मा 4 ओवर में 34 रन देकर 8.50 इकोनॉमी रेट के साथ 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन दिखाए। वही जेसन होल्डर 4 ओवर में 25 रन देकर 6.25 इकोनॉमी रेट के साथ 2 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन दिखाए और शाहबाज नदीम भी 4 ओवर में 19 रन देकर 4.75 इकोनॉमी रेट के साथ 2 विकेट लेकर अच्छा खेल खेले। सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा गुडलेंथ गेंद अराउंड ऑफ गेंद को बहुत ही खूबसूरती से लॉफ्ट करते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ रीजन में छक्का लगाए, हैदराबाद के लिए पहला छक्का। अगले गेंद में रिद्धिमान साहा गुडलेंथ गेंद को मिड ऑन के रीजन में चौका लगाए, हैदराबाद के लिए पहला चौका। तीसरी ओवर की पांचवी गेंद पर रिद्धिमान साहा ग्रेसफुली खेल दिखाते हुए गुडलेंथ गेंद को थर्ड मैन की रीजन में बाउंड्री लगाए और आखिरी गेंद में भी रिद्धिमान साहा लेंथ गेंद को फाइन लेग के रीजन में बहुत ही सुंदर एक और चौका लगाए। चौथी ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर शॉर्टर लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को मिड विकेट के रीजन में चौका लगाए, अगले गेंद में भी डेविड वार्नर बैक ऑफ लेंथ गेंद को कवर पॉइंट के क्षेत्र में एक और चौका लगाए और तीसरी गेंद में भी डेविड वार्नर अराउंड ऑफ गेंद को पॉइंट रीजन की दिशा में ब्यूटीफुल चौका लगाए, उनका बैक टू बैक बाउंड्रीज। पांचवी ओवर की पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा फ्लैटर अराउंड ऑफ गेंद को पुल करते हुए डीप मिड विकेट के रीजन में चौका लगाए, उसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर फ्लोटेड ऑन ऑफ गेंद को स्वीप करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाए। छठी ओवर की पहली गेंद तक रिद्धिमान साहा और डेविड वार्नर सिंगल रन लेकर दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में चौका लगाए। सातवीं ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर टॉस अपॉन मिडिल गेंद को रिवर्स स्वीप करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका लगाए। नवी ओवर की तीसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा फ्लैटर और क्विक अराउंड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में चौका लगाए, बहुत ही अच्छा शॉट। अगले गेंद में भी रिद्धिमान साहा फ्लैटर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में एक और चौका लगाए। बारहवीं ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर लूपी और फुल अराउंड ऑफ गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाए। इसी के साथ डेविड वार्नर अपना अर्धशतक पूरा किए एवं हैदराबाद के लिए 100 रन पूरा हुआ और साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई। 12वीं ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड वार्नर चाहर के शॉर्ट गेंद को बैकवर्ड फुट से पुल करते हुए मिड विकेट की दिशा में चौका लगाए। 15 ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड वार्नर लेंथ गेंद को फुल शॉट लगाते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाए। 16 ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर बैक ऑफ लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को पुल शॉट लगाते हुए वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और चौका लगाए। आखिरी में दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार खेल दिखाते हुए सिंगल सिंगल रन लेते हुए आगे बढ़े। 18 ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर फ्लैटर और शॉर्टर अराउंड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र के माध्यम से चौका लगाए। इसी के साथ दोनों के बीच 150 रनों की साझेदारी पूरी हुई और साथ ही शानदार जीत हासिल किए। सनराइजर्स हैदराबाद 10 विकेटों से जीत गए। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों में डेविड वार्नर 58 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 85 रन बनाकर अजय रहे के जबरदस्त प्रदर्शन दिखाए और रिद्धिमान साहा भी बहुत ही शानदार खेल दिखाते हुए 45 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाकर अजय रहे। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों में धवल कुलकर्णी 3 ओवर में 22 रन देकर 7.33 इकोनॉमी रेट के साथ अच्छा खेल खेले और नाथन कुल्टर 4 ओवर में 27 रन देकर 6.75 इकोनॉमी रेट के साथ अच्छा ही खेल खेले। SRH इस मैच में जीत कर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो गई और वे RCB के खिलाफ पहली एलिमिनेटेड मैच खेलेंगी।